जय सर। चलो वैभव रेडी। एवरीवन हैज यस यस एवरीवन हैज लेपल ओके रो एंड 3 2 1 गो रे पे तालियां। आई थिंक
आई एम लकी इनफ टू बी पार्ट ऑफ द स्टेज. हालांकि मैं स्ट्रीट चूज़ करूँगा, खासकर क्योंकि इंडिया में बहुत अनसीन टैलेंट है. और सो यू थिंक यू कैन डांस खासकर एक मुकाम है जहाँ दैट अनसीन टैलेंट गेट्स नोटिस्ड. तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इसके लिए. आई एम हैप्पी टू बी हियर टुडे. एंड व्हाट अबाउट दिस न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज लॉन्चिंग इन इंडिया, स्ट्रीट एंड डांस, स्ट्रीट वर्सेस स्टेज? आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट. इट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट द यूथ एंड होपफुली इंस्पायर द यूथ टू यू नो टेक अप सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, be it dance, be it some sort of movement, or urge the kids to go out and learn something. Sir, yeah. आज क्या-क्या कराने वाले हैं आप इनसे? इनसे जितना करा उतना कम है. He's a fabulous dancer and मुझे लगता है कि जो इस कंट्री के यूथ हैं इनको देखते हैं, इंस्पायर होते हैं. ये जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, तो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे. अच्छा, if given a chance कि अगर स्टेज और आप किसी भी एक पे आप खड़े हों, अगर स्टेज पे खड़े हैं तो आप किसे अपने कंपटीशन में स्ट्रीट पर देखना चाहेंगे? अगर आप स्ट्रीट पे परफॉर्म कर रहे हैं तो आप स्टेज पे किसे अपने कंपटीशन में परफॉर्म करते हुए देखना चाहेंगे इन बॉलीवुड? अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए वो माइकल जैक्सन. हाँ बिल्कुल. नहीं, बॉलीवुड में यू नो इट्स फॉर मी, मैं ऋतिक सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ही इज़ माई आइडल. तो मैं ज़रूर उनके साथ डांस करना चाहूँगा एक दिन. वो मेरा सपना है टू डांस विद ऑन स्टेज. आईफा मैंने एक छोटा सा झलक किया उनके साथ, आई थिंक उसके अलावा तो आई हैवंट गॉट द चांस. पर अदर देन ऋतिक सर बॉलीवुड में तो कोई नहीं जी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कंटेस्टेंट दोज हु आर परफॉर्मिंग? मुझे तो शर्म आ रही इनके सामने परफॉर्म करने, खासकर क्योंकि दे आर सो टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग. हालांकि मैं इतना कहना चाहूँगा कि आई विल गो बैक टुडे वर्किंग मच हार्डर एंड आई विल ट्राई एंड बिकम बेटर बिकॉज ऑफ देम. सो या, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस, थैंक यू. अरे बिल्कुल, आई डेफिनेटली थिंक आई कैन डांस. गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आई कैन ऑलवेज डांस. यस डेफिनेटली. बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, मतलब इंडिया के लिए तो बहुत ही नया. तो हाँ, आपको अगर कहा जाए स्ट्रीट और स्टेज पे, आप स्ट्रीट पे हमेशा दिखाई देते हैं लेकिन स्ट्रीट पे अगर परफॉर्म करने के लिए कहा जाए तो? नो, आई वुड रादर प्रेफर स्ट्रीट ऑलवेज एज अ फॉर्म, एज अ फॉर्म डांसिंग. क्योंकि मैंने शुरू से लेकर अब तक जितनी भी डांसिंग की है, इट्स ऑलवेज बिन हिप हॉप, इट्स ऑलवेज बिन हमेशा से ऐसा कुछ रहा है, थोड़ा सा गणपति डांस. तो गणपति तो स्ट्रीट पे किया जाता है ना. सो आई लव दैट फॉर्म, आई ऑनेस्टली लव स्ट्रीट अलॉट. और कोई भी फॉर्म हो, मेरे जितने भी आपने कहीं कई बार शोज भी देखे होंगे जहाँ जहाँ परफॉर्म करता हूँ, आई ऑलवेज प्रेफर स्ट्रीट मोर देन स्टेज. सो या डेफिनेटली. ऑडियंस विल सी द डांस अभी और जो कंटेस्टेंट आने वाले, बट अब तक जो आपने परफॉर्मेंस देखी है, आप एज ए डांसर आपको क्या लगता है कि किस तरीके का टैलेंट? मतलब छप्पर फाड़ के जो टैलेंट आता है ना, ये लिटरल सेंस में छप्पर फाड़ गया है. क्योंकि आई डोंट थिंक ऐसा टैलेंट, इतनी बेहतरीन डांसिंग मैंने इसके पहले कोई भी शो पे देखी है. क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट यहाँ पर है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ये दिस शो सो आई थिंक यू कैन डांस. और क्योंकि इतना बड़ा शो है, इतना बड़ा ब्रांड है, इतना नाम है इस शो का, इस शो से सारे जितने भी रियलिटी शोज हैं डांसिंग को लेकर वो शुरू हुए हैं, कहीं ना कहीं इससे जन्मे हैं. सो आई थिंक इस ब्रांड को लेकर सब लोग बहुत सीरियस हैं. सो जो टैलेंट उठ कर आया है ऑडिशन करने के लिए भी या सेलेक्ट होने के लिए भी, That's massive. That's mad talent. So, and you will be performing. हम देखेंगे आप. Definitely, definitely. You will definitely see me performing very soon. अब वो कब होगा, क्या होगा, ये तो हम आपको वक्त आने पे बताएंगे जी. Thank you so. हाँ जी, thank you very much. Thank you. हिप हॉप क्रू, थोड़ा सा अपना लेफ्ट लेफ्ट हो जाओ. और ऋतिक हाफ स्टेप भी है. नो, द वाइड वन इज दिस ऑन योर लेफ्ट. Okay, Ritwik. Get ready to fight. Okay, Tiger Rento. Get ready to fight. Get ready to fight.
Rithik step up. Sound change. No, another song. Another one. How is Zindagi? Who has that track? Two, one, go. Once again.